मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी, हमारे गृह मंत्रालय के सहयोगी श्री हंसराज गंगाराम जी अहिर, राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, केंद्रीय मंत्री श्री रामदास जी अठावले, श्री सत्यनारायण जी जटिया राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ सांसद श्री प्रसन्न पाठस्वानी जी, श्री अजय मित्र टेनी, राजभाषा विभाग के सचिव श्री शैलेश और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, अधिकारी वर्ग, देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो मैं इस हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय के संबंध में कहना चाहूंगा कि अति व्यस्तताओं के बावजूद उन्होंने इस हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए सहज रूप से उपस्थित रहना स्वीकार किया है। यह हम सभी के लिए प्रेरक है। उपराष्ट्रपति महोदय, आज के इस दिन का जहां तक प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि हम यह मूल्यांकन करते हैं कि देश विदेश में राजभाषा हिंदी, हिंदी साहित्य और हिंदी के विकास में हमने कौन सी मंजिलें तय की हैं और कितनी मंजिलें तय की हैं। इस दिन हिंदी के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में विमर्श करने का भी एक हमें अवसर प्राप्त होता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो यह देश को जोड़ने वाली है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी में राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान की भावना पैदा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए गांधी जी ने भी कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन मेरे लिए केवल स्वराज का नहीं अपितु स्वभाषा का भी प्रश्न है। आगे यह भी कहा कि मेरा स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाने के लिए हिंदी का और प्रांतीय भाषाओं का राज्यों के कामकाज में अधिकतम प्रयोग किया जाना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचलित एवं लोकप्रिय शब्दों को ग्रहण कर हिंदी के शब्द भंडार को निरंतर समृद्ध करने की आवश्यकता है और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी करोड़ों लोगों की मातृभाषा के अतिरिक्त भारत की राजभाषा होने के साथ साथ यह भारत की सबसे बड़ी संपर्क भाषा भी है। एक गलतफहमी है कि भारत की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। यदि अंग्रेजी नहीं आएगी तो गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करने में बहुत बड़ा संकट पैदा होगा। यह सही तस्वीर नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से दीमापुर, अधिकांश भारतीय नागरिक अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी को बेहतर समझते हैं और बेहतर तरीके से वह बातचीत भी कर सकते हैं। आपने गिरमिटिया मजदूरों के बारे में सुना होगा। अंग्रेजों द्वारा भारत से बाहर विश्व के कई देशों में यह गिरमिटिया मजदूर भेजे गए थे तो वे अपने साथ अपनी संस्कृति भी ले गए थे, अपनी परंपरा भी ले गए थे और साथ ही साथ अपनी हिंदी भाषा और उन बोलियों को भी साथ ले गए थे। यही कारण है कि आज चाहे फिजी हो, वेस्ट इंडीज हो, ट्रिनिडाड हो या टोनेगो हो, जैसे देशों में भी हिंदी खूब बोली भी जाती है और हिंदी अच्छी तरह समझी भी जाती है। मैं मंडारिन भाषा की यहां चर्चा करना चाहूंगा, चीन की मंडारिन भाषा। मंडारिन इस भाषा के बाद हिंदी बोले जाने वाली यह सबसे बड़ी भाषा है। सर्वाधिक संख्या में यह हिंदी लोगों के द्वारा बोली जाती है। फिर भी अंग्रेजी और फ्रेंच का प्रभाव दुनिया में अधिक माना जाता है। मंडारिन भाषी चीन 21वीं सदी में एक बड़ी आर्थिक ताकत बन गया है, लेकिन आज हम गौरव के साथ यह कह सकते हैं कि हमारा यह भारत राजभाषा हिंदी में भी विश्व की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। एक समय था
विश्व के मंचों पर हिंदी भाषा कभी सुनाई नहीं देती थी। माना जाता था यह शासन और सत्ता की भाषा यदि कोई है तो केवल अंग्रेजी है। इस सोच को मैं स्मरण करना चाहूंगा, पहली बार किसी ने नकारा, चुनौती के रूप में स्वीकार किया, विजय प्राप्त की, तो हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे बीच नहीं रहे। और अब आज के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी हिंदी के सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ाने में उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह किया है और निरंतर कर रहे हैं। जहां तक किसी भाषा का प्रश्न है तो किसी भाषा का विकास केवल सरकारी गैर सरकारी संगठनों के प्रयास से ही संभव नहीं है। भाषा बढ़ती है उपयोगिता के आधार पर और उसके उपयोग के आधार पर। यही कारण है कि हिंदी मंडारिन के मुकाबले संख्या भल में भले ही पीछे हो मगर उसका उपयोग प्रसार दुनिया में मंडारिन से कहीं अधिक होता है। यही कारण है कि बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनियां हिंदी को बढ़ावा दे रही हैं और मैं उल्लेख करने में मुझे गौरव की अनुभूति है कि गूगल जैसी कंपनी भी हिंदी को बढ़ावा दे रही है, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक भी इसको बढ़ावा दे रही है। हिंदी को बढ़ावा देने के पीछे उनका हिंदी प्रेम नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि काम कर रही है। उन्होंने समझ लिया है कि भारत और भारतीयता से प्रभावित लोगों के बीच अपने उत्पाद को यदि हमें स्थापित करना है तो हिंदी को अपनाना ही होगा, इसलिए वह हिंदी अपना रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के बाजार आज पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। भारत और भारतीयों से यदि विश्व को आत्मीय संबंध रखना है तो सबसे पहले हिंदी को अपनाना ही होगा। बड़ी बड़ी तकनीकी कंपनियां चुनावी भाषण की एक सच्चाई की भी अब स्वीकार करने लगी हैं। आपने देखा होगा, मैं ज्यादा इस बात को आगे नहीं ले जाना चाहता कि अमेरिका के जो आज के राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान यह कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार। इंटरनेट पर भी सर्वाधिक तेजी से जिस भाषा में कंटेंट जनरेशन इस समय हो रहा है वो हमारी और आपकी भाषा हिंदी है। इतना ही नहीं, हिंदी में कंटेंट जनरेशन की जो स्पीड होती है वह इंग्लिश से अधिक होती है। एग्जैक्टली वह परसेंटेज तो हमारे पास नहीं है लेकिन जो मुझे बतलाया गया है अब इसे वेरीफाई करने की जरूरत है, लेकिन मुझे यह बताया गया है कि हिंदी में कंटेंट जनरेशन 94% है तो अंग्रेजी में अप्रॉक्सिमेटली 19% है। लेकिन मैं पूरी तरह से इस संबंध में दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन कंटेंट जनरेशन हिंदी में अंग्रेजी की अपेक्षा अधिक तेजी के साथ होता है और अधिक होता है। और हिंदी के विकास में सिनेमा का भी मैं सबसे बड़ा योगदान मानता हूं। रूस की सड़कों पर चले जाइए, और रूस ही नहीं, मैं तो मंगोलिया गया था, मेरा जूता है जापानी, देखते ही वहां के प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि मेरा जूता है जापानी। अब कल्पना कर सकते हैं हिंदी के प्रति एक कैसा विश्व में भी एक आकर्षण है। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिंदी एक भाषा ही नहीं है बल्कि एक संस्कृति और संस्कार भी है, और इस हिंदी का स्वरूप भी बहुत ही उदार है। हिंदी के प्रचार प्रसार से किसी को भी कोई खतरा नहीं है क्योंकि वह समावेशी है, सर्वग्राही है, सर्वस्पर्शी है और साथ ही सहज भी है और यह सुलभ भी है। हिंदी को विशिष्ट बनाने के स्थान पर हमें उसे जनसाधारण के लिए सहज और सरल बनाना होगा। और आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय, मैं यहां इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए, हिंदी भाषी लोगों ने इसकी कम वकालत की, सर्वाधिक वकालत यदि किसी ने की गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के राजनेताओं ने की, वो हमारे महात्मा गांधी, तिलक जी, श्री राजगोपालाचारी जी, सुभाष चंद्र बोस जी और निजलगंपा जी
और साथ ही डॉक्टर फादर कामिल बुलके ने भी कहा था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। और आज मुझे ये इसका उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमें भारत की सभी भाषाओं के लिए, भारत की सभी भाषाओं के लिए, विशेष रूप से प्रशासनिक क्षेत्र में राजभाषा तथा निजी क्षेत्र में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी तथा राज्यों के कामकाज में उनकी भाषाओं के संवर्धन के लिए भी कामकाज करने की आवश्यकता है। रविंद्रनाथ जी ठाकुर ने कहा था, भारतीय संस्कृति एक शतदल कमल की तरह है जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं। किसी भी एक पंखुड़ी के नष्ट होने से कमल की पूर्णता नष्ट हो जाती है और कमल की शोभा भी नष्ट हो जाती है। मैं कह सकता हूं कि आज हिंदी वैश्विक भाषा के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी। पिछले दिनों देश के सम्मान में उस समय और इजाफा हुआ जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने ट्विटर पर हिंदी में अपना अकाउंट बनाया। और हिंदी भाषा में ही पहला ट्वीट भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने फेसबुक पर भी हिंदी पेज बनाया है। गत वर्ष माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर लीला मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया था, जिसकी सहायता से 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी सीखी जा सकती है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने बहुत कृपा की है कि आज उन्होंने लीला हिंदी प्रवाह इसका लोकार्पण किया है और मैं आश्वस्त हूं इसका उपयोग अधिक से अधिक लोगों के द्वारा किया जाएगा। और हमारे सहयोगी श्री किरण रिजू ने जब 18वीं अगस्त को विश्व हिंदी सम्मेलन था मॉरिशस में, वहां पर भी उन्होंने कंठस्थ इसका जो है लोकार्पण किया था। आज के अवसर पर ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता, बस आप सभी से मैं अपील करना चाहता हूं, समस्त देशवासियों से भी अपील करना चाहता हूं कि स्व प्रेरणा से हिंदी में कार्य करें और अपने अधीनस्थ को भी प्रेरित करें, जो यहां पर अधिकारी वर्ग हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा। और आज के इस अवसर पर जिन लोगों ने सम्मान प्राप्त किया है, पुरस्कार अर्जित किया है, उन सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और पुनः जो गरिमामयी उपस्थिति है आदरणीय राष्ट्रपति महोदय की, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।